नमस्कार। कोरोना महामारी के चलते कई तरह की समस्याएं भी हैं लोगों को, लेकिन ये समस्याएं स्वाभाविक भी हैं क्योंकि ज़िंदगी अगर बचानी है तो कुछ परेशानियां भी झेलनी पड़ेगी। सारे के सारे लोग घर बंदी में हैं, ऐसी स्थिति एक विकट होती है और शायद आप लोगों ने देखा नहीं होगा अपनी ज़िंदगी में, इस तरह के दौर से कभी आप गुजरे नहीं होंगे। तो लॉकडाउन के तहत थोड़ी सुविधा देने के लिए, थोड़ी राहत देने के लिए एक व्यवस्था सरकार ने की है ई पास की, और दूसरा एक टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट आपको दिया जा रहा है जो आरोग्य सेतु ऐप के नाम से जाना जाता है। तो इन दोनों बिंदुओं पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हैं वाराणसी के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर प्रसून अग्रवाल जी, जो दोनों के प्रभारी हैं, यानी ई पास के भी और आरोग्य सेतु ऐप के डाउनलोड कराने की मुहिम की थी। तो अग्रवाल साहब, आपका स्वागत है। और सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो एक आरोग्य सेतु ऐप है, ये किस तरह से काम करता है और इसके क्या फायदे लोगों को होंगे? देखिए, आरोग्य सेतु ऐप एक बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी को यूज़ करता है। आप ऐप जैसे ही डाउनलोड करते हैं, इसमें ब्लूटूथ और GPS की लोकेशन ऑन हो जाती है। तो जैसे ही ये लोकेशन ऑन होती है तो ये आपके आसपास अगल बगल सारी एक्टिविटीज़ को ट्रैक करना शुरू कर देता है। आप जाने अनजाने में अगर किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आ गए हैं तो ये आपको अलर्ट भेजता है। इसके साथ ही आपको ये भी बताता है कि आप आइसोलेशन पीरियड में कैसे रहें, किन किन चीज़ों का बचाव करें, अपने सेल्फ असेसमेंट टेस्ट आप समय समय पर लेते रहें। कभी आपको अगर कोई तकलीफ महसूस हो रही हो या आप डॉक्टर से संपर्क करना चाहते हैं तो उसमें भी ये आपकी पूरी तरीके से मदद करेगा। अनुभव इसको लेकर के कुछ अभी लोगों को बहुत पिक्चर क्लियर नहीं है कि पता नहीं ये कैसे काम करेगा। नहीं, ये देखिए प्योर टेक्नोलॉजी पे है, कोई इसमें और किसी चीज़ का उपयोग नहीं किया गया। जैसे ही हम लोकेशन ट्रैक करते हैं तो अगर आपके आसपास किसी एरिया को हॉटस्पॉट बनाया गया है या उस एरिया में संक्रमण ज़्यादा फैला है तो ये आपको अलर्ट देता है। ये अलर्ट देगा जिससे कि लोग सावधान हो सके, ना जाएं या उस जगह से बचें, उन लोगों से बचें। इस तरीके से ये काम करता है। तो ये ऐप को डाउनलोड करने के लिए लोगों तो करके अभियान के तौर पर ये चलाया भी जा रहा है। ये अभियान के तौर पर चल रहा है, सभी विभागों के नोडल अधिकारी नामित कर दिए गए हैं। और आप कोई भी व्यक्ति अपने सिंपल से प्ले स्टोर पर जाके आरोग्य सेतु ऐप लिखे और वो तुरंत अवेलेबल है, वो डाउनलोड किया जा सकता है। मतलब वो पूरी प्रक्रिया के कंप्लीट करनी पड़ेगी डाउनलोड करने की। अच्छा अग्रवाल साहब, दूसरा बिंदु जो हमारा है ई पास का, चूँकि आवाजाही एकदम ठप है, कुछ लोग हैं जिनको जाना ज़रूरी भी है और अभी सरकार ने भी शायद कुछ इस तरह के गाइडलाइंस और दिशा निर्देश जारी किए हैं कि खासतौर से जो दूसरे ज़िलों में कारोबार करते हैं पड़ोस के या बॉर्डर पर हैं तो ई पास की व्यवस्था है। तो ये ई पास किस तरह से लोगों को मिलेगा और किन लोगों को मिलेगा? देखिए, ई पास का सबसे बड़ा उद्देश्य बनाने का यही था कि हमें कहीं आना जाना ना पड़े जी, क्योंकि ई पास आप घर बैठे प्राप्त कर सकें। जब हमें लोगों को बाहर जाने से ही रोकना है जी, और अगर हम पास लेने के लिए किसी को बुलाएंगे तो उन चीज़ों का ही उल्लंघन हो जाएगा जी। तो सरकार ने इसी को ध्यान रखी ई पास की व्यवस्था शुरू की है। इसमें आप कोई भी असेंशियल सर्विसेज या मेडिकल, अभी कोई इमरजेंसी है इसके तहत अप्लाई करते हैं तो OTP जाता है, आप उसके बाद अपनी सारी डिटेल्स भरते हैं, फिर जैसे ही आपका पास अप्रूव होता है उसी नंबर पे आपके लिंक चला जाता है, आप उसको आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो कहीं भी ना घर से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है, ना कुछ करने की ज़रूरत है, आप सिंपल सा डाउनलोड कीजिए और उसको फ़ोन पे रख के आप कहीं भी जा सकते हैं जहाँ आपको जाना है। अच्छा, जैसे ई पास अगर जिसको चाहिए तो क्या क्या डॉक्यूमेंट वो देंगे? क्या देखिए, ई पास में बेसिकली आपकी फ़ोटो और आधार मैंडेटरी है। अच्छा, और उसके बाद अगर आप ऑर्गेनाइजेशन के लिए भरते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन की डिटेल्स आपको डालना उसमें रहेगा। ये सब चीज़ें उसमें जरूर। और जो व्यापारिक उद्देश्य से हो उसके लिए? हाँ, व्यापारिक उद्देश्य ऑर्गेनाइजेशन के नाम से आप उसको भर सकते हैं। अच्छा, तो ऑर्गेनाइजेशन की डिटेल्स आप डालेंगे, उसमें कितने व्यक्ति हैं, क्या हैं, उन सब चीज़ की वो जानकारी पूछेगा, आप उसको फिल करके अच्छा सभी का पास एक में बनवा सकते हैं। हाँ, नहीं अगर एक आदमी को हो तो?
एक आदमी का भी बन सकता है, दो आदमी का भी बन सकता है। अच्छा, मतलब ये कंपल्सन नहीं है कि इनका बनेगा इनका नहीं बनेगा। नहीं, जो आवश्यक ये तो सेवा, हाँ, जो आवश्यक सेवा है वो अप्रूव होती है। हाँ, जो हमारा जियो है उसके हिसाब से, उसी के हिसाब से जारी होता है। मतलब जियो जो गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश सरकार का या भारत सरकार का है, उत्तर प्रदेश सरकार पर ही आप वो अलाउ करेंगे, मतलब ई पास को। और ई पास के लिए जैसे अगर कोई बाहर से आना चाहता है तो वो तो बनारस में अप्लाई नहीं करेगा? नहीं, वो जैसे ही आप डिस्ट्रिक्ट चुनते हैं तो वो संबंधित डिस्ट्रिक्ट के लॉगिन में चला जाता है। अच्छा, जैसे आपने वाराणसी टू इलाहाबाद चुना तो वाराणसी की लॉगिन हो जाएगी। हाँ, और आपने अगर इलाहाबाद टू वाराणसी चुना तो वो इलाहाबाद में चला जाएगा। तो मतलब इलाहाबाद का इलाहाबाद से होगा? हाँ, जो जहाँ पे होगा वहाँ से अप्लाई करेगा, वो डिस्ट्रिक्ट उसको परमिट करेगा। हाँ, अगले डिस्ट्रिक्ट में, अगले जिले में जाने के लिए। और इसकी क्या खासियत है, कुछ बताना चाहेंगे? खासियत ये है कि ये सबसे बड़ा ये पेपरलेस है, मतलब आप उसको फ़ोन पे ही डाउनलोड, क्योंकि इस समय प्रिंटिंग की भी समस्या है, दुकानें नहीं खुली, ऑफिस नहीं खुले, तो जैसे ही लिंक आपके मोबाइल पे जाता है और ये सेफ़ है और कोई उसको शेयर नहीं कर सकता, तो आप लिंक पे क्लिक करें आपके मोबाइल पे तुरंत अवेलेबल हो जाए, तो ये चीज़ सबसे आसान है। मतलब भीड़ न लगे। हाँ, जिनको जरूरी है उन्हीं को पास मिलेगा, फालतू तफरी करने के लिए नहीं है, इशू नहीं होगा, क्योंकि तमाम लोग केवल लगा करके कैटेगरीज डिवाइड कर दी गई हैं, उन्हीं कैटेगरीज में बस आएगा, उसके अलावा कुछ नहीं, किसी को नहीं मिलेगा। तो आप लोगों से क्या अपील करेंगे आरोग्य सेतु ऐप के लिए और ई पास के लिए? आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना बहुत जरूरी है, इससे हमारी सरकार को भी निरंतर डेटा मिलता रहेगा और सबसे ज़्यादा फायदा हमें ही मिलेगा कि अगर कहीं भी संक्रमण फैल रहा है तो वो सावधान हमें करेगा और हम अपना बचाव समय समय पे करते रहेंगे। ठीक है अग्रवाल साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए और कोरोना महामारी के दौर में जो दो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, एक आरोग्य सेतु ऐप और दूसरा ई पास, लॉकडाउन को देखते हुए दोनों पर आपने एक अच्छी जानकारी दी। बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।